नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कोई नए फ्रेंड्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन आता है उसको भी प्रेस कीजिए। आपको मेरे नए वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, नोटिफिकेशन से आपको पता चलता है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो में बाथ पाउडर देखते हैं। इसमें यूज़ करते हैं मसूर दाल, राइस और बार्ली। आपका जौ का आटा इससे ही बनता है। बहुत इजी इसे है, आपको ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। ये तीन चीज़ें आप बाथ पाउडर के नाद यूज़ कर सकते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स पाने के लिए। अब ये तीनों चीज़ों को आप मिक्सी में डाल के या अलग अलग या मिला के मिक्सी में डाल के पाउडर बना सकते हो। अगर आप मिक्सी में डाल तो एक दो बार छान लीजिए, क्योंकि थोड़ा मोटा वाला स्क्रब जैसे बनता है। अब यह है जौ का आटा और यह मसूर दाल की आटा और यह है राइस फ्लोर। मैंने एक एक केजी लेके पूरे बाहर मशीन में पकड़ाया था, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट होता है बाहर मशीन में पकड़ाने से। अगर आप मिक्सी में डालें तो थोड़ा मोटा मोटा स्क्रब जैसे आता है। ये भी थोड़ा माइल्ड स्क्रब जैसे ही यूज होता है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट होता है अगर आप बाहर मशीन में पकड़ाए तो। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कीजिए। इक्वल क्वांटिटी लीजिए और मिक्स कीजिए। ये बाथ पाउडर आपको डीपली क्लीन करता है और आपको स्किन को ग्लो देता है। एक एंटी एजिंग जैसे काम करता है और दाग धब्बे हो वो भी दूर करता है। आपको स्किन को फेयर बनाता है। अच्छे से मिक्स कीजिए। आप केमिकल वाला सोप मत यूज कीजिए, यही बाथ पाउडर यूज कीजिए। अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। ये है कपूर। एक कपूर ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिला सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है कपूर। कपूर आपको मेंथल जैसे ठंडक देती है और स्किन पे दाग धब्बों को दूर करता है और कुछ भी इन्फेक्शन हो वो भी दूर करता है। ये आपकी मर्जी डालना या ना ही कपूर। अब थोड़ा सा ये बाथ पाउडर लेके आप कर्ड से मिला सकते हो या दूध से मिला सकते हो या रोज वाटर से मिला सकते हो या ओनली वाटर से भी मिला सकते हो। मैं तो यहाँ कर्ड से मिलाती हूँ। कर्ड से आपको स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन फेयर करने के लिए हेल्प करता है, दाग धब्बों को भी दूर करता है। अब कर्ड अच्छे से मिक्स करने बाद एक पेस्ट जैसे बनता है। अब इस पेस्ट को आप के पूरे बॉडी पर, चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर अच्छे से मसाज कीजिए। ये थोड़ा माइल्ड स्क्रब जैसे होता है। इसे मसाज करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही सूखने दीजिए और मसाज करते हुए धो डालिए। आप सोप मत यूज़ कीजिए, ये नेचुरल वाले चीज़ें ही यूज़ करिए। अमेजिंग बेनिफिट्स देता है, आपको स्किन को ग्लो देता है और स्किन को टाइट भी बनाता है और डीपली क्लीन करने वाला, आपको स्किन को ग्लो देने वाला ये उपकरण आप जरूर ट्राई कीजिए। ये है फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।